इंदिरा हैं कर्नाटक से हमारे साथ, स्वागत है इंदिरा आपका। थैंक यू जी। जी आदाब आदाब हकीम साहब। आदाब इंदिरा जी, आदाब बताइए। हकीम साहब, मेरा 2018 में MRI हुआ था, वो ठीक आया था, कोई डिस्क प्रॉब्लम नहीं, नर्व प्रॉब्लम नहीं, पर डॉक्टर ने मेरे को 5 स्टीरॉइड के इंजेक्शन 1000 मिलीग्राम के दिए और ये एक नर्व का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, वो मेरे को सूट नहीं किया क्योंकि मेरे को कोई इस तरह की प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो उसके बाद मेरी नसें खिंचनी शुरू हो गई और मेरा बॉडी बहुत ज्यादा अकड़ चुका है और अभी भी अकड़ता जा रहा है। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि नर्व सेल नहीं बन रहे, तो इसका कोई यूनानी में इलाज है जिनसे नर्व सेल बने? एज कितनी है इंदिरा जी आपकी इस वक्त? 70। अच्छा देखिए, एक मैं दवा बताता हूँ आपको, आप खूब गौर से सुने और लिख लें। देखिए, जो अलसी आप समझती होंगी, आपकी उम्र 70 साल है, अलसी लेना है 200 ग्राम और धनिया लेना है 100 ग्राम। अलसी 200 ग्राम, धनिया 100 ग्राम और आपको लेना है हल्दी 50 ग्राम और 100 ग्राम आपको लेना है अश्वगंधा, इसे हम असगंध कहते हैं, आप अश्वगंधा कह सकते हैं, और 100 ग्राम आपको लेना है गोंद स्याह यानी काला गोंद। काला गोंद ज़रा नकली मिलता है, संभाल के लीजिएगा, और कड़वा होता है ये। इन सबको आपको रॉ मटेरियल ही लेना है, पिसा पिसाया कहीं से लेना, किसी पे भरोसा नहीं करना। पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम, यानी एक बड़ा कैप्सूल की बराबर समझ लीजिए, 1 ग्राम आप समझ सकते हैं अंदाजे से। तो ये खाना शुरू करें और ये जो रॉ मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी हुआ ये 500-600 ग्राम, ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर है शिवराज जयपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, बोलिए, सवाल कीजिए। पतला हूँ। कितनी उम्र है? 10। बस अच्छा देखिए, आपके घर में कोई और भी सुन रहा होगा तो वो समझ लें कि 1-2 खजूर, 2 अंजीर, 2 केले और 250-300 ग्राम दूध, इसका रोज़ाना आप शेक बनाएं और पिया करें। अच्छे हालात हैं तो 1 से ज़्यादा बार भी पी सकते हैं, वरना 1 गिलास तो पीना ही पीना है। आप ये लेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं पुष्पा हिमाचल से हमारे साथ, स्वागत है पुष्पा आपका। हेलो हेलो जी, बोलिए, सवाल कीजिए अपना। मैडम मेरे बाएं हाथ में दर्द, आपके बाएं हाथ में क्या तकलीफ है? जी हकीम साहब, इनके बाएं हाथ में झनझनाहट होती है बहुत ज्यादा। अच्छा, बाएं हाथ को यूज कम करें, इस्तेमाल कम करें, और मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको, ऐसे मेरे को देखें गौर से और रोज़ाना 2-2, 4-4 मिनट किया करें। ये ऐसे 2-4 मिनट रोज़ाना करनी है, किस्तों में करें आप, इंस्टॉलमेंट पे करें, 1-1 मिनट करके, और एक ये ऐसे ऐसे खूब ज़ोर ज़ोर से यहाँ तक ले आइए गर्दन अपनी ठोड़ी को, ये किया करें। मुझे उम्मीद है इसी से फ़ायदा हो जाएगा आपको, मुझे उम्मीद है। और इसके अलावा भी अगर 10 दिन में दर्द ठीक ना हो तो गोंद स्याह लें, काला गोंद आता है, बड़ा कड़वा होता है, और आधा आधा ग्राम दोनों टाइम खाने के बाद
आप लिया करें, आपको फायदा मुमकिन है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही है? विजय लक्ष्मी, राजस्थान से। जी सवाल कीजिए। जी हमको ना खून की कमी हो रही है, खून की कमी हो गई थी जो हमने कैल्शियम की और खून बढ़ाने की दी थी। ठीक। अच्छा, खून की कमी की कई वजह होती हैं। एक मेन वजह होती है हमारा लीवर अपना काम ठीक से नहीं करता, और ये बहुत आसान भी है इसका इलाज अगर आप कर सकें तो। और देखिए, धनिया, पुदीना, सूखा हुआ धनिया, सूखा हुआ पुदीना और सौंफ, ये सब रॉ मटेरियल लेने हैं आपको। धनिया, पुदीना, सौंफ और सौंठ, ये चार चीज़ें 100-100 ग्राम और 100 ग्राम या 150 ग्राम इसमें गौन मोरिंगा मिला दें। ये पाउडर बनाकर आप 1-1 ग्राम 2-3 वक्त खाने से पहले खाया करें, और गर्म पानी पिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये सब रॉ मटेरियल आप लेंगे और इसके ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल, इनके लिए कोई दवाई भी हो सकती है हकीम साहब? हाँ, इनके लिए अगर ये एक सिरका आता है और कम लोग जानते हैं, और वो है सिरका, एलोवेरा का सिरका। एलोवेरा का जूस लोग पीते हैं, एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एलोवेरा का सिरका कम लोग जानते हैं। अगर 2-3 चम्मच सुबह शाम अगर खाया जाए, पिया जाए, या सालन में सब्जी में मिलाकर अगर ले लिया जाए तो भी फ़ायदा मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? बसंत करोड़े, मैं एमपी से बात कर रहा हूँ हरदा। जी सवाल कीजिए। हमारा एक बेटा है 3.5 साल का, जो वो मतलब कम समय में पैदा हो, 7 महीने में, तो वो उसका मूवमेंट करने का मतलब उसको वो बैठ नहीं पा रहा है, उसके हाथ वगैरह जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। जी कितना बड़ा बच्चा? 3.5 साल का है डॉक्टर। ठीक है। हाँ देखिए, जो बच्चे 7वें महीने में होते हैं वो भी कामयाब हो जाते हैं, अगर उनकी आप पूरी रिपोर्ट हमसे शेयर करें तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाएंगे। उनकी रिपोर्ट होंगी तो हमारे डॉक्टर आपको फ़ोन करेंगे, और या आप कर लीजिएगा तो उनकी रिपोर्ट आप व्हाट्सएप पे शेयर करें, फिर हम उनके लिए कोई ना कोई फायदे वाले नुस्खा बता सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। पूजा है हमारे साथ मथुरा से, स्वागत है पूजा आपका। जी हाँ जी, सवाल कीजिए। हाँ वो मैं देख रही थी, मैं सिर में दर्द होता है। जी सिर में दर्द होता है मुझे बहुत। ठीक है पूजा, आप हैं लाइन पर? हाँ। क्या सर में दर्द है, पेट में? अरे मेरे सिर में दर्द होता है। अच्छा, एज और बता दीजिए अपनी। एज मेरी 18 साल की है। और बहुत कम है आपकी एज, और सर में दर्द होता है। कोई आपको ज़्यादा परेशान करता है घर में, भाई बहन या कोई? देखिए, सुबह को उठें और जब आप पेस्ट वगैरह कर लें तो फिर आपको एक काम करना है। देखिए, 1/2 चम्मच से भी कम जीरा, 1/2 चम्मच सौंठ और 1/2 चम्मच धनिया, ये पानी में उबालना है 2 गिलास पानी में, और जब ये आधा रह जाए तो इसको पीना है, और इसका जो बचा हुआ इसका फुजला होगा ये रखना, ऐसे शाम को भी इसे पीना है। आप 2 हफ्ता करेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर है महेंद्र अम्बाला से हमारे साथ, स्वागत है महेंद्र आपका। जी नमस्ते। जी नमस्कार जी आदाब।
जी हाकिम साहब नमस्ते जी। जी आदाब महेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है। मैंने ना अपने धर्मपति के लिए कोई मेडिसिन मंगवाया था जो अभी आया नहीं है। अच्छा, किस किस चीज के लिए? उनका ना मैं MRI करवाया था, उनके सिर में नस कोई डॉक्टर साहब बोले थे कि सुखड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनको चक्कर आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कराने तो, लगे जो मैंने बताई थी एक्सरसाइज? हाँ जी, एक्सरसाइज तो करते हैं, वो देख कर करें, दो चार मिनट रोजाना। और डायबिटीज की पेशेंट हैं वो, और कमजोरी बहुत है। ठीक है, कितने दिन हो गए आपको ऑर्डर किए मेडिसिन? मेरे ख्याल में 4-5 दिन तो हो गए डॉक्टर साहब। ठीक है, हाँ, आपको हमसे शिकायत हो सकती है कि थोड़ी लेट हो गई, लेकिन आप दोबारा भी फ़ोन करके उनको तकाजा कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप तक दवा पहुँचेगी वो असली होगी, हम लोग असली दवाओं का कारोबार करते हैं, और फिक्र मत करिए। उन्हें 5 बार गर्म पानी पिलाइए और 4-6 मिनट एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थी वो कराया करिए, आपकी धर्मपत्नी जल्दी ठीक होना मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बोलिए बोलिए। ओ, हम महाराष्ट्र से यवतमाल से बोल रहे हैं। यवतमाल महाराष्ट्र से। जी 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 जी। तो हमको कमर की दवा की ये होना था, पूछना था। कमर में दर्द है, किसके कितनी उम्र है मरीज की? उम्र 54 साल है। ठीक है, हाँ देखिए, मरीज से बहुत ज़्यादा मेहनत ना कराएं, वज़न उठाने का या पोछा लगाने का काम नहीं करें, और अगर घर में वेस्टर्न टॉयलेट ना हो ऐसा कुर्सी वाला तो वो ज़रूर लगवाएं। और घरेलू नुस्खे के तौर पर आप गोंद स्याह ले सकते हैं, काला गोंद आता है, गोंद स्याह जिसे कहते हैं, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खिलाएं, और 100-200 ग्राम खरीदेंगे तो वो ख़त्म होने से पहले दर्द का ठीक होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर है निहारिका, लखनऊ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी बोलिए। पेट में दर्द रहता है। पेट में? जी। ठीक है, उम्र क्या है आपकी? हमारी उम्र है 22 साल। हाँ देखिए, बेल का मुरब्बा मिलता है मार्केट में, आजकल मिलेगा, और ये बेल खाई भी जाती है, खोपड़ी नुमा होती है, पत्थर बेल कहते हैं, बेल पत्थर भी कहते हैं, सभी जानते हैं। तो बेल का मुरब्बा ले लीजिए, सुबह ही सुबह एक कतला उसका 3-4 इंच का खा लिया करिए, और गर्म पानी पिया करिए। चंद हफ्ते या चंद रोज़ आप खाएंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम कुमारी कंचन है। बताइए। मेरा प्रॉब्लम है मैम की एलर्जी है। कैसी एलर्जी? एलर्जी मतलब बहुत खुजली होता है। और क्या एज बताइए? एज 48। ठीक है, देखिए बहुत आसान नुस्खा है, आपके पास कॉपी पेन है तो लिख लीजिए, अलसी लीजिए 100-200 ग्राम खरीद लें, और उसको साफ सूफ करके, कंकर होते हैं अक्सर, थोड़ा सा भून लें, बर्तन में डाल के थोड़ा सा भून लें, फिर इसको पाउडर बना लें, और आधा चम्मच से एक चम्मच तक अलसी लें, और आधी चुटकी सोडा खाने वाला, ये चुटकी है इसकी भी, आधी चुटकी खाने वाला सोडा इसमें मिलाकर रोज़ाना 1 या 2 बार खाया करें, और गर्म पानी पिएं इसके बाद, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं संजीव बनारस से हमारे साथ, स्वागत है संजीव आपका। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। आदाब। हकीम साहब से बात? जी। हाँ हकीम साहब नमस्कार। जी आदाब, बताइए। हाँ सर, संजीव द्विवेदी बोल रहा हूँ मैं सर। मेरी उम्र जो है 42 साल है, और अभी हमको मार्च में जो है जो लॉकडाउन जो जब शुरू हुआ था जो है उसी दौरान मैं किसी हॉस्पिटल में गया और अपनी जो है चेकिंग कराया, तो मेरा जो है
शुगर काफी बढ़ा हुआ था जो है, ठीक है। तो उस दौरान मैं खाना वाना ऐसा कुछ खा करके ही गया था, तो मैं जो है मेरी शुगर काफी बढ़ी हुई थी, तो वहां पर जो है चेक किया गया तो वो लगभग 500 के आसपास बताया, खाने के 1.5 घंटे 2 घंटे बाद 500 के आसपास शुगर जो है उन्होंने चेक किया। तो मैं काफी घबरा गया जो है, तो मैं फिर रिटर्न हुआ तो मैं पास में एक लैब है, मैंने वहां चेक कराया तो वहां भी शुगर काफी बढ़ा हुआ था जो है, उसमें 507 ऐसा करके आया। तो फिर हमको मतलब मैं काफी घबरा गया जो है, तो आयुर्वेदिक दवा तो सर ले रहा हूँ लेकिन कुछ ऐसा नुस्खा जो कि मतलब इसको परमानेंट कंट्रोल करे। और खान पान में जब मैं रोटी वगैरह खाता हूँ तो जैसे 4-5 रोटी अगर खाने मतलब सुबह में 10-11 बजे अगर खाता हूँ तो फिर वो थोड़ा बढ़ जाता है काफी जो है, अगर 1-2 रोटी खाता हूँ तो कंट्रोल में रहता है। तो क्या मतलब हम लोगों को 1-2 रोटी ही खाना चाहिए और कुछ ऐसे नुस्खे भी बताएं जो कि मतलब अपने को लाभ दें? ठीक है, अच्छा देखिए बहुत अच्छा किया आपने फोन किया, और अभी आपकी शुगर पुरानी नहीं है तो शायद आपको फायदा भी हो जाए पूरा। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो शुगर बढ़ती है वो चावल, आलू और रोटी से बढ़ती है। और हाँ, वाकई आपने सही कहा कि शुगर वाले को अपनी डाइट आधी लेनी चाहिए, अगर 4 रोटी की खुराक है 2 रोटी खाया करें। और जिनको डायबिटीज़ होती है उनकी खाने के बाद की डायबिटीज़ तकरीबन दुगनी या उससे भी ज़्यादा हो जाती है दवा लेने के बावजूद भी, तो उससे मत घबराइए। जो खाने के 2 घंटे बाद की शुगर है ना, तो वो 200 कुछ हो जाती होगी आपकी, 200-250, तो उससे मत घबराइए। आपकी खाली पेट की शुगर जो सुबह आप करते हैं 12 घंटे में, तो वो कंट्रोल रहनी चाहिए, और नुस्खे भी हैं, आप जो दवा लेते हैं वो भी लें। और जैतून का सिरका आता है, जैतून का सिरका, ये दिन में और रात में 2 बार भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो तो 2 बार ले, नहीं तो 1 ही बार काफ़ी है। 2-3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर रात को लेकर सोया करें और अपनी दवाएं भी लें, तो आप सारी ज़िंदगी सेहत के साथ गुजार सकते हैं, कंट्रोल रहेगी आपकी शुगर, मुझे ऐसी उम्मीद है।